तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ के उर्दू के रोशनी के बुक से चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्जुन। और ये जो चैप्टर है ये कहानी है, यानी कि अफसाना है, और बंगला कहानी है, यानी कि इस कहानी को पहली बार महाश्वेता देवी ने बंगला भाषा में लिखा था। यानी कि ये कहानी क्या है, एक बंगला कहानी है, लेकिन इस बंगला भाषा में लिखी हुई कहानी को उर्दू भाषा में ट्रांसलेट करने का काम किसने किया, तो वो किए थे शाफी किदवाई ने। याद रखिएगा, शाफी किदवाई, यानी कि इस अर्जुन नाम के अफसाना बंगला कहानी के राइटर मुसन्निफ तो हो गए महाश्वेता देवी। ठीक है, मतलब ये औरत है, खातून है, याद रखिएगा। तो मुसन्निफ हो गई महाश्वेता देवी, जो कि इस कहानी को बंगला भाषा में लिखी थी, लेकिन इसके मुतरजिम यानी कि ट्रांसलेटर, जो कि बंगला भाषा से उर्दू भाषा में ट्रांसलेट किए, वो हो गए शाफी किदवाई, याद रखिएगा। तो मुतरजिम कौन है, शाफी किदवाई। दोनों का नाम याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये तो पक्का है कि पूछता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब चलिए, मैं आप लोगों को मुसन्निफ के बारे में तो पढ़ना है नहीं, डायरेक्ट आप लोगों को इस कहानी को ही समझा देती हूँ। ये आप थोड़ा कहानी लंबा है, आप लोग खुद रोशनी का बुक ओपन करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को एकदम शॉर्ट कट पढ़ाऊंगी, एकदम शॉर्ट कट में कहानी बताऊंगी, जिससे कोई भी आप लोग का क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन आप लोग छोड़ कर नहीं आएंगे, और प्लस आप लोग का चैप्टर भी कम्प्लीट हो जाएगा बहुत ही शॉर्ट कट में। तो देखिए, इस कहानी का जो मरकज़ी किरदार है, यानी कि मेन कैरेक्टर जिस पर ये कहानी लिखी गई है, वो है केतु। और भी ढेर सारे किरदार हैं, जैसे कि मोहिनी है, जो कि केतु की वाइफ रहती है, पत्नी, और डग्गा है, पीताम्बर है, विशाल मेहतो है, और राम हल्दर है। लेकिन केतु जो है ना, वो एक मजदूर रहता है, याद रखिएगा। केतु मजदूर, जो कि मजदूरी करता है, 2-4-5 पैसे की, मतलब लालच में आकर ये पेड़ की कटाई भी करता है, ठीक। और मोहिनी भी, जब केतु जेल चला जाता है तो केतु के जगह पर इसकी पत्नी मोहिनी जो है ना, वो काम करती है। डग्गा भी मजदूर रहता है, पीताम्बर भी, ये दोनों मजदूर रहते हैं केतु की तरह, जो कि मजदूरी करते हैं, ठीक है। ये सभी लोग कहाँ के रहने वाले रहते हैं, तो शाबर कबीले के, याद रखिएगा, शाबर कबीला, ठीक है। गांव से कम संख्या में जब लोग रहते हैं ना, तो उसको बोला जाता है कबीला। तो ये सभी लोग शाबर कबीले के लोग रहते हैं, शाबर कबीले में रहने वाले लोग रहते हैं, केतु, डग्गा, पीताम्बर और उसकी वाइफ पत्नी जो मोहिनी है, ये सब लोग, ठीक है। तो देखिए, कहानी कुछ इस तरह से है कि केतु मजदूर रहता है, ठीक है, वो मजदूरी करता है, मजदूरी करके अपने बच्चे, मतलब बीवी बच्चे का पालन पोषण करता है, और उसके बाद से ये 2-4 पैसे की लालच में आकर पेड़ की भी कटाई करता है, जंगल की कटाई करता है। और कटाई करवाने वाला कौन रहता है, विशाल मेहतो जमींदार रहता है, जो कि यही बोलता है केतु से, पैसे वैसे देता है विशाल मेहतो केतु को, और बोलता है कि लो यहां का पेड़ का तुम सफाई कर दो, काट डालो, हटा डालो, ठीक। तो 2-4 पैसे की लालच में आकर केतु जो है ना, विशाल मेहतो के कहने पर जाकर पेड़ की कटाई कर देता, और कटाई कर देने के बाद उसको तो पैसे मिल जाते, केतु को विशाल मैं तो पैसा दे देता, और उसके बाद से पैसे मिल जाते, ये अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करता। लेकिन पेड़ की कटाई के जुर्म में जो है ना, इसको जेल भी जाना पड़ता था। तो जब जेल जाता, तब इसके जगह पर इसकी पत्नी, वाइफ जो है मोहिनी, वो काम करती थी। एक दिन क्या हुआ कि राम हल्दर, याद रखिएगा, इस कहानी का मेन कैरेक्टर, मरकजी हीरो आप बोल सकते हैं केतु है, और विलेन, जो मेन विलेन है, वो है राम हल्दर। यही बोलता है विशाल मेहतो से कि तुम ये पेड़ की कटाई करवाना, और विशाल मेहतो एक ज़रिया बनाता है केतु को कटाई करवाने का, पेड़ पौधों की, जंगल की सफाई करवाने का। तो इसमें का मेन विलन कौन है, राम हल्दर। एक बार जो है ना, देखता है कि शाबर कबीले में एक बहुत ही पुराना वृक्ष रहता है, जिसका नाम रहता है अर्जुन, याद रखिएगा, उस पेड़ का, उस वृक्ष का, दरख्त बोलते हैं उर्दू में, तो उस वृक्ष का क्या नाम रहता है, अर्जुन नाम का वृक्ष रहता है ना, वो बहुत ही पुराना, सदियों से चला आ रहा है, और वहाँ पर जितने भी उस कबीले के लोग रहते हैं, शाबर कबीले के, वहीं पर जो भी फंक्शन करवाना रहता, सारा चीज़ वहीं पर पंचायती बुलाया जाता था, उसी अर्जुन नाम के पेड़ के नीचे सब कुछ, किसी का शादी बारात सब कुछ वहीं पर टिकता था, मतलब सब कुछ, जितना भी फंक्शन वगैरह का काम, वो लोग उस अर्जुन नाम के पेड़ से, लोगों का बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, ठीक, और वो बहुत सदियों से चला आ रहा था, लोग उसको बहुत ज़्यादा मानते थे, पूजा भी करते थे, ठीक है। तो जब राम हल्दर की उस वृक्ष पर, उस पेड़ पर नज़र पड़ी ना, अर्जुन नाम के पेड़ पर, तो ये इसकी लालच आ गई, सोचा कि इतना सदियों से पुराना ये चला आ रहा पेड़ है, सोचो इसको बेचूंगा काट कर, तो इसका मतलब कितना ज़्यादा मुझे मुनाफा होगा। तो पैसे की लालच में आकर राम हल्दर जो है ना, वो विशाल मेहतो से बोलता है कि तुम्हें वो अर्जुन नाम का जो पेड़ है उसको कटवाना है, किसी भी हाल में तुम मुझे उस अर्जुन नाम के पेड़ को काट कर लाकर मुझे दो। सोचिए, राम हल्दर की नज़र जो है ना, उस अर्जुन नाम के पुराने वृक्ष पर पड़ जाती है, उस पेड़ पर पड़ जाती है, और वो उस
विशाल मेहतो से कहता है कि मुझे किसी भी हाल में वो पेड़ लाकर दो, ठीक है, काट कर। तो अब विशाल मेहतो क्या करता है, केतु से बोलता है कि तुम्हें क्या करना है, वो अर्जुन नाम का सदियों से चला आ रहा पुराना वृक्ष है, उसको तुम्हें काटना है, मैं तुम्हें जितना चाहो उतना पैसे दूंगा, मतलब पैसे घुस देने की बात करता है। तो केतु अब सोचता है, बोलता है कि ये इतना पुराना सदियों से चला आ रहा पेड़, इसको काटा कैसे जाए, ठीक है, ठीक है। तो ये सोचने लगा कि मतलब लोगों का बहुत ज़्यादा इस पेड़ से लगाव है, ठीक, जो भी फंक्शन रहता है सभी लोग यहीं पर, पंचायती भी यहीं पर बुलाया जाता है, हर एक चीज़ यहीं पर होता है, ठीक है, तो इसको तो इस पेड़ को काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, ठीक। और केतु जो है ना विशाल मेहतो से बोलता है कि ठीक है मैं काट दूँगा अर्जुन नाम का पेड़, ठीक है। और उसके बाद से क्या करता है, केतु जाता है एकदम सुबह सुबह उस अर्जुन नाम के पेड़ के पास, और इतना मतलब A1 एक्टिंग करता है, इतना मस्त एक्टिंग करता है ना, ऐसे लगता है कि उसके अंदर खुद कोई देवी देवता आ गया हो, और इतना ज़बरदस्त तरीके से एक्टिंग करता है कि जितने भी गाँव के लोग रहते हैं उन सभी लोगों को सच में विश्वास हो जाता है कि केतु के अंदर सच में कोई देवी देवता आ गया है, और वो देवी देवता ही बोल रहा है कि अर्जुन नाम के पेड़ को तुम काट डालो, ठीक है। इतना बढ़िया मस्त एक्टिंग करता है केतु, ठीक। और उसके बाद से केतु सभी लोगों को ये मतलब भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि केतु के अंदर देवी देवता आ गए हैं लोग, ठीक। और उसके बाद से सभी लोग मान जाते हैं कि ठीक है, अगर देवी खुद देवता आकर खुद बोल रहे हैं कि अर्जुन नाम के पेड़ को काट दिया जाए, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप इस पेड़ को काट सकते हैं। और इस तरह मस्त एक्टिंग करके जो है ना केतु क्या करता है, उस अर्जुन नाम के वृक्ष को काट देता है, क्योंकि सभी लोगों को विश्वास हो जाता है कि केतु के अंदर क्या है, देवी देवता कोई आ गया, और वो खुद बोल रहा है कि अर्जुन नाम के पेड़ को काट दो, ठीक। तो सभी जितने भी उस कबीले के लोग रहते हैं सभी लोग मान जाते हैं कि काट दिया जाए, तब खुद देवता जो है ना प्रदर्शित होकर बोल रहे हैं, तो अब क्या किया जा सकता है, काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह जो है ना केतु लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उस पेड़ को, अर्जुन नाम के पेड़ को जो सदियों से चला आ रहा था, जिससे लोगों को लगाव था, इतना ज़्यादा लगाव था, कोई भी काम उसी पेड़ पर होता था, मतलब उसी पेड़ के पास बैठकर जो भी फंक्शन होता था वहीं पर होता था, उसने पुराने वृक्ष को सदियों से चला आ रहा, लोगों का मतलब बोल सकते हैं निशानी, वहाँ पर ढेर सारी निशानी भी थी लोगों की, मतलब उस सदियों से चली आ रही वृक्ष को, अर्जुन नाम के वृक्ष को वो काट देता है, और अर्जुन नाम के वृक्ष का अंत हो जाता है, दी एंड हो जाता है। और केतु काट लेता है और विशाल मेहतो उसको पैसा दे देता है, ठीक। और यहीं पर जो है ना आप लोग की कहानी खत्म हो जाती है, अर्जुन चैप्टर का नाम है और जो अर्जुन नाम का वृक्ष रहता है तो उसकी एंड हो जाती है, खत्म कर, केतु जो है ना उस वृक्ष को काट देता है, मतलब कटवा देता है, बोलता है कि अब लाओ, गांव के सभी लोग मान गए कटवाने के लिए इस पेड़ को, तो काटो। और इस तरह अर्जुन नाम का जो वृक्ष है वो कट जाता है, और यहीं पर आपकी कहानी जो है ना एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पर हो गया आप लोग का चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट। जो भी आप लोगों के बुक में जो लंबा करके कहानी दिया था उसी को मैं शॉर्ट करके बता दी। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप लोग छोड़ कर नहीं आएंगे, ठीक है, सारा का सारा आप लोग क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि क्या बताया गया है इस चैप्टर में, क्या कहानी है मैं आप लोग को समझा दी, बस बात खत्म। कोई भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड आप यूँ चुटकियों में बना लेंगे, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, बाकी मैं आप लोग को जो कुछ भी समझाई समझ में आया और आप लोग को पूरा चैप्टर कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और उसके बाद से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और चारों तरफ शेयर कर दें, अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है, उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।